हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सबका केरी लाइफ पर। 4 बज गए हैं, करंट अफेयर्स का सेशन शुरू हो चुका है। फटाफट सभी बच्चे आ जाएंगे, सेशन को ज्वाइन कर लेंगे, फिर हम आज के सवाल जवाब शुरू करेंगे। देखते हैं आज कौन जीतेगा, कौन जीतता है करंट अफेयर्स की बाजी। चलिए फटाफट वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे, फिर हम आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं, आज नए सेट ऑफ क्वेश्चंस है। अगस्त का करंट अफेयर हम लोग कर रहे हैं, कल से शुरू हुआ है। इससे पहले हम जून जुलाई के मंथली करंट अफेयर्स कर चुके हैं दो पार्ट्स में, साथ ही जीआई टैग और इंडेक्सेस भी हम कर चुके हैं। वीडियो को शेयर कर दो एक बार, लाइक कर देना, की लाइक को सब्सक्राइब कर लें वो स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं किया हुआ है। मुझे कुछ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, फटाफट आ जाएंगे सभी। सुशील गुप्ता रोल नंबर 40, गुड इवनिंग। नीलमणि गुड इवनिंग। हेलो शशांक, अमन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम जीतेंगे गौरव सिंह कह रहे हैं, देखते हैं गौरव सिंह आज कौन जीतता है। लेट्स सी आप जीतते हैं कि नहीं। गुड इवनिंग ठाकुर, रघुवीर, नीलमणि, मोहम्मद वासिम, गुड इवनिंग। हेलो मनीषा, शशि हाय। हेलो दिनेश, प्रणाम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग निखिल, हनुमान गुर्जर हाय, गुड इवनिंग सनी, गुड इवनिंग। चलिए एक मिनट और वेट करेंगे, फिर हम पहला सवाल देखेंगे क्या होने वाला है। गुड इवनिंग तनीषा, गुड्डू राम राम, गुड इवनिंग सलोनी विकास, गुड इवनिंग प्रशांत, गुड इवनिंग रेनू, गुड इवनिंग। चलिए 4:05 हो गए, वेट कर लिया, गुड इवनिंग भी हो गई। बढ़ते हैं सवालों की तरफ, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, हु इज द कोच ऑफ द टीम दैट वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन हॉकी। ये आपकी बात हो रही है टोक्यो ओलंपिक्स की, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स में हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जिस टीम ने जीता है उस टीम के कोच का नाम आपसे पूछा गया है, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स में जो हॉकी का मैच हुआ है जिसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है एक टीम ने, आपको बताना है कि उस टीम के जो है कोच कौन है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रॉन्ज मेडल कौन सी टीम को मिला है, फिर आपको आंसर मिलेगा कि उस टीम के कोच कौन है। सब जानते हैं कोच आपको बताना है। विकास ने सबसे पहले आंसर किया है, विमल ने वैसे सबसे पहले आंसर किया है डी, और विकास ने कहा है ऑप्शन ए, ठाकुर कह रहे हैं ऑप्शन ए, रीड, गौरव सिंह ने लिखा है रीड, ठाकुर रघुवीर, अशोक, हनुमान, सलोनी, बिल्कुल ठीक। देखो करेक्ट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए, ग्राम रीड, ठीक है। ग्राम रीड जो है वो आपके कोच हैं, इंडिया जो आप इंडिया के कोच हैं, इंडियन हॉकी टीम जो है आपकी, इंडियन मेंस हॉकी टीम जो है आपकी, ठीक है। इंडियन मेंस हॉकी टीम के क्या हैं आपके कोच कौन है, ग्राम रीड है, ठीक है। हाल ही में इंडिया ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। किसे हराया है, जर्मनी को हराया है, जर्मनी को हरा कर कितने स्कोर से, 5-4 के स्कोर से जर्मनी को हराया है किसने, इंडिया ने, और ब्रॉन्ज मेडल जो है टोक्यो ओलंपिक्स में सिक्योर किया है। इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन है, ग्राम रीड है, ठीक है। कब जो है इन्हें कोच बनाया गया था, चीफ कोच जो है कब बने थे टीम के, चीफ कोच कब बने थे आपके, 2019 में बने थे, ठीक है। कब बने थे, 2019 में कोच बने, ठीक है, हॉकी टीम के। टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इससे पहले जो है 41 ईयर्स के बाद जो है मेडल जीता है हॉकी टीम ने। इससे पहले 1980 में जो है गोल्ड लेकर आए थे 1980 में, और इससे पहले जो है इससे मिला के टोटल 8 बार जो है मेडल ला चुके हैं। और अब जो है 2021 में जो आपके टोक्यो ओलंपिक्स 2020 हुए हैं, इसमें जो है 41 ईयर्स के बाद, ठीक है, 41 ईयर्स के बाद जो है मेडल लेकर आई है आपकी हॉकी टीम भारत की, जिसके कोच का नाम क्या है, ग्राहम रीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आया, आगे आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल देखो, हु इज द गोल कीपर ऑफ हॉकी टीम।
हॉकी टीम के गोल्फ कीपर कौन है ये आपको बताना है। हॉकी टीम के जो है आपके गोल्फ कीपर कौन है ये आपसे पूछा है। पीआर सुजेश, मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह कौन है। चलिए फटाफट, चलिए फटाफट सवाल का आपसे गोल्फ कीपर पूछा हुआ है, बेसिक क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग आकाश मिश्रा, इस क्वेश्चन पर आ जाएंगे। यस तनिषा बिल्कुल ठीक। प्रशांत ने और शशांक ने इससे पहले आंसर दिया है, सन्नी ने भी दिया है। सन्नी ने कहा है मनप्रीत, शशांक कह रहे हैं सुरेश, और प्रशांत भी सुरेश कह रहे हैं, गौरव भी सुरेश कह रहे हैं। अच्छा मनप्रीत सिंह कह रहे हैं कुछ बच्चे। चलिए करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए पी आर सुजेश। ठीक है, आपसे पूछा है सवाल में गोल्फ कीपर। ठीक है, अगर होता कैप्टन कौन है तो आपका आंसर रहता मनप्रीत सिंह, क्योंकि मनप्रीत सिंह आपके कैप्टन हैं। ठीक है, मनप्रीत सिंह जो है आपके कैप्टन हैं। आपसे सवाल में पूछा है गोल्फ कीपर कौन है, तो गोल्फ कीपर है आपके हॉकी टीम के पी आर सुजेश। पी आर सुजेश का अगर मैं पूरा नाम लिखूं तो परट्टू रविंद्रन सुजेश। ठीक है सुजेश, ठीक है 2004 में देखो इन्होंने हॉकी में डेब्यू किया था, 2004 में जो है अपना डेब्यू मैच खेला था। ठीक है नेशनल जूनियर टीम में, ठीक है नेशनल जूनियर टीम में जो है डेब्यू किया था 2004 में। पूरा नाम है परट्टू रविंद्रम सुजेश। ठीक है गोल्फ कीपर है आपके हॉकी टीम के, और अगर कैप्टन पूछा जाए तो ऑफकोर्स आप जानते हैं कौन है आपके कैप्टन, मनप्रीत सिंह। ठीक है क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आंसर है हॉकी टीम के गोल्फ कीपर कौन है, बस इसमें समझने वाला क्या है। ठीक है पी आर सुरेश करेक्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला सवाल है आपका, एनजीटी हैज रेज्ड कंसर्न ऑन पोल्यूशन ऑफ विच रिवर। ठीक है एनजीटी ने किस नदी के प्रदूषण पर चिंता जताई है। इसमें से एक नदी है, ठीक है जो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो रही है, इसमें से एक नदी के ऊपर जो है जो जहां पे प्रदूषण बढ़ रहा है, पोल्यूटेड हो गई है बहुत ज्यादा, उसके ऊपर जो है एनजीटी ने जो है कंसर्न्स जो है रेस किए हैं, चिंता जताई है। आपसे पूछा गया है कौन सी वो रिवर है, क्या नहीं समझ आया ठाकुर रघुवीर। सवाल में आपसे सिंपल पूछा है कि हॉकी टीम के आपकी गोल्फ कीपर कौन है, सिंपल। कैप्टन बोलते तो कैप्टन होते आपके मनप्रीत सिंह, गोल्फ कीपर पूछा है तो आपके सुजेश हैं, सिंपल। चलिए गुड इवनिंग, हां जी गंगा लिख रहे हैं अमन, गंगा लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे। सी किसने लिखा है, सौरभ ने लिखा है ऑप्शन सी, और किसने लिखा है, राजेश ने लिखा है, विकास ने भी गंगा लिखा है, गौरव पुंदीर ने लिखा है। देखो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी यमुना। ठीक है यमुना रिवर जो है उसके ऊपर जो वहां पर जो है फ्रोदिंग बहुत ज्यादा हो गई है और पोल्यूटेड भी बहुत ज्यादा हो गई है आपकी यमुना रिवर, जिसके ऊपर एनजीटी, एनजीटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है कंसर्न्स जो है जारी किए हैं। देखो ये जो ट्रिब्यूनल है आपका बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, ठीक है एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी आपके कंसर्न्स रहते हैं वो सब कौन संभालता है, कौन गवर्न करता है, कौन संरक्षण करता है, आपका एनजीटी करता है। ठीक है तो एनजीटी जो है आपका एनजीटी एक्ट के तहत, एनजीटी एक्ट कब आया था आपका 2010, ठीक है उसके तहत जो है आपका एनजीटी फॉर्म हुआ है। ठीक है और एनजीटी एक ट्रिब्यूनल जो आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड है ऐसा करने वाला भारत जो है आपका तीसरी, भारत जो है आपकी थर्ड कंट्री है। ठीक है इंडिया जो है आपकी थर्ड कंट्री है, ठीक है थर्ड कंट्री है भाई जिसने ऐसा कोई ट्रिब्यूनल जो है बनाया है एनवायरमेंट के लिए। इससे पहले पूरे पूरी दुनिया की बात करें, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और आपका न्यूजीलैंड है सिर्फ दो कंट्रीज ऐसी जिन्होंने जो है ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है एनवायरमेंट के लिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका इंडिया आता है जिन्होंने स्पेशली सिर्फ एनवायरमेंट के लिए जो है एक ट्रिब्यूनल बनाया है। ट्रिब्यूनल क्या होता है,
जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रॉब्लम है आपको, कोई भी केस हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप जाते हैं कोर्ट, जाते हैं कि आपका जो है केस सुलझ जाए, कोई कंप्लेंट है कुछ भी है तो आप कोर्ट चले जाते हैं। तो सिमिलरली ट्रिब्यूनल जो है बनाया जाता है, ठीक है, एक अथॉरिटी होती है कि आप वहां जाके जो है अपना जो भी डिस्प्यूट है, जो भी विवाद है, उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड कंसर्न होंगे, विवाद होंगे, चिंताएं होंगी, वो आप एनजीटी के पास लेके जा सकते हैं। वहां पर जो है एनजीटी जो है इन सब चीजों के साथ डील करता है। कौन से एक्ट के तहत? एनजीटी एक्ट 2010 के तहत जो है आपका एनजीटी फॉर्म हुआ है, ठीक है। और तीसरी कंट्री है इंडिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद, जिन्होंने क्या है ऐसा एक ट्रिब्यूनल फॉर्म किया है। तो हाल ही में एनजीटी ने कौन से रिवर के पोल्यूशन के ऊपर कंसर्न जताया है? आपका करेक्ट आंसर है रिवर यमुना, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। साथ ही में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसी स्टेट्स को बोला हुआ है कि भाई सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो शुरू किया जाए, ताकि रिवर को जो है क्लीन कराया जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है, बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड वल्चर एक्शन प्लान? वल्चर एक्शन प्लान जो है किस कंट्री ने, किस देश ने जो है गिद्ध कार्य योजना शुरू की है? जर्मनी, इंडिया, चाइना या फिर आपका जापान, ठीक। चलिए इस सवाल का आंसर करेंगे। सवाल का शिवांशु, गुड इवनिंग। चलिए शिवांशु, पूछा है सवाल में कि वल्चर एक्शन प्लान जो है आपका किस देश ने शुरू किया है, आपको बताना है। गुड इवनिंग राहुल। शशांक ने लिखा है नो आइडिया, शशांक ने गिव अप कर दिया। जापान लिखा है मनोहर ने, आलोक ने लिखा है इंडिया, गौतम लिख रहे हैं बी, बहुत सारे बच्चे बी लिख रहे हैं, विकास ने भी लिखा है बी। चलिए करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन बी, इंडिया आप लोगों का करेक्ट आंसर है, ठीक है। इंडिया में जो है आपका ये वल्चर एक्शन प्लान को जो है लॉन्च किया गया है। किसने किया है? आपके एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, उन्होंने जो है इसे लॉन्च किया है, वल्चर एक्शन प्लान 2020-25, ठीक है। अगर पूछा जाए तो किसने लॉन्च किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने किया है, ठीक है। क्यों किया है भाई एक्शन प्लान? देखो वल्चर जो है हमारे इकोसिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्रिएचर्स होते हैं, आपके जो गिद्ध जिन्हें आप हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो है वल्चर्स की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो क्या है, कम होती जा रही है, बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। तो बेसिकली उनका संरक्षण करने के लिए, उन्हें कंजर्व करने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए जो है ये आपका वल्चर एक्शन प्लान जो है वो लाया गया है। अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो इंडिया में 9 स्पीशीज है वल्चर्स की, 9 स्पीशीज है आपकी वल्चर्स की, गिद्ध की 9 प्रजातियां हैं, ठीक है, जिसमें से 4 स्पीशीज जो है आपकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, खत्म होने के, बिल्कुल खत्म होने वाली है, ऐसी हालत है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, ठीक है। टोटल 9 स्पीशीज है वल्चर्स की। इंडिया की बात करें, अगर इंडिया की बात करें तो 9 स्पीशीज है, जिसमें से 4 क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आपकी आती है। प्लान, वल्चर एक्शन प्लान 2020-25 किसने लॉन्च किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? इंडिया ने किया है। क्यों किया है ये आप समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नीलमणि, बिल्कुल ठीक, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखें। रिसेंटली अ न्यू स्पीशीज ऑफ इंडियन ड्यूरेन ग्रास हैज बीन स्पॉटेड इन विच स्टेट? देखो रिसेंटली तो नहीं कह सकते, बट हाँ स्पॉट किया गया था मुरेन ग्रास जो है आपकी स्पीशीज जो है नई, उसे स्पॉट किया गया था कौन से स्टेट या फिर आपके यूनियन टेरिटरी में? गोवा, दिल्ली, हरियाणा या फिर गुजरात? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग नितेश। आपसे सवाल में पूछा है कि आप इंडियन मुरेन ग्रास जो है आपकी, ठीक है, कहां पर स्पॉट की गई है भाई, कहां देखा गया है भारतीय मुरेन घास की एक नई प्रजाति को, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में देखा गया है? हरियाणा लिखा है, किसने लिखा है? गोवा लिखा है मनोहर ने, हरियाणा लिखा है गुड्डू ने, विकास ने लिखा है दिल्ली। चलिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, गोवा। सूरज बिल्कुल ठीक,
एक और नाम था बहुत अलग सा। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए गोवा। ठीक है, गोवा में जो है आपका मुरेन ग्रास की जो बेसिकली जो स्पीशीज है ठीक है वो पाई गई थी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आपका, गोवा। ठीक है, सबसे पहले जो है देखो 2017 में जो है ये स्पीशीज कलेक्ट की गई। ठीक है, उसके बाद 2 साल के लिए क्या है उन्हें देख रेख में रखा गया, ऑब्जर्व किया गया। कितने सालों के लिए? 2 साल के लिए। सबसे पहले कब ढूंढा गया था? 2017 में जो है इनके सैंपल्स, ये जो स्पीशीज है इसे कब कलेक्ट किया गया था? 2017 में। उसके बाद 2 साल जो है ऑब्जर्वेशन में रहा, अंडर ऑब्जर्वेशन। अंडर ऑब्जर्वेशन मतलब कैसे ग्रो कर रहा है, कब ग्रो कर रहा है, क्या कंडीशंस हैं इसके ग्रो करने के लिए, है ना? तो अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। ठीक है, एज ऑफ नाउ अगर हम अभी की बात करते हैं तो इसकी आपको 85 स्पीशीज जो है अभी तक जानी गई है। ठीक है, स्केमम जो है इसका दूसरा नाम है। ठीक है, स्केमम जो है इसका दूसरा नाम है। ठीक है, टोटल अभी 85 स्पीशीज हैं जो जानी जाती हैं इस ग्रास की, जिसमें से भारत ने जो है 61 स्पीशीज, ठीक है, जिसमें से 61 स्पीशीज जो है आपकी अकेली भारत में पाई जाती है। ठीक है, और अराउंड आपकी 40 स्पीशीज है, ठीक है, जो कि आपकी वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। ठीक है, जो कि आपकी वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। और देखो हर मॉनसून सीजन में जो है आपका मॉनसून ही चल रहा है, तो हर मॉनसून सीजन में जो है ये ब्लॉसम करती हैं। ये ग्रास जो है आपकी, ग्रास का नाम क्या है? मोरेन ग्रास। कहाँ पहली बार ढूंढी गई थी? गोवा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन ओलिवा? ऑपरेशन ओलिवा जो है किस संगठन ने शुरू किया है? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड या फिर डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स? चलिए फटाफट सवाल का आंसर करेंगे। आपसे पूछा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ऑपरेशन ओलिविया, सॉरी ओलिवा जो है लॉन्च किया है, ओलिवा। चलिए सी कह रहे हैं मनोहर अमन, हर्षवर्धन कह रहे हैं ए इंडियन आर्मी, सी कह रहे हैं अमन इंडियन कोस्ट गार्ड। चलिए फटाफट आंसर करिए। देखो करेक्ट आंसर है तुम लोगों का बिल्कुल जो कह रहे हैं सी, इंडियन कोस्ट गार्ड। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है आपका ऑपरेशन ओलिवा जो है लॉन्च किया है। ओलिवा जो है आपकी टर्टल्स की एक स्पीशीज है। ठीक है, तो उन्हें जो है बचाने के लिए जो है ऑपरेशन ओलिवा किसने लॉन्च किया है? आपका इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है। बात करें अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की तो डायरेक्टर जनरल कौन है, डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है इंडियन कोस्ट गार्ड के? कृष्ण स्वामी नटराजन। ठीक है, कृष्ण स्वामी नटराजन जो है डायरेक्टर जनरल है इंडियन कोस्ट गार्ड के। कब फाउंड हुआ है? फाउंडेड पूछा जाए तो, फाउंडेड अगर पूछा जाए तो 1977। और हेडक्वार्टर्स कहां पर है? हेडक्वार्टर्स कहां पर है इसके? आपके न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ऑपरेशन जो है किसने लॉन्च किया है? ऑपरेशन ओलिवा इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है। ठीक है, रिसेंटली नहीं किया है, लॉन्च किया था आपका ऑपरेशन ओलिवा। दिस ऑपरेशन एम्स टू प्रोटेक्ट द ओलिव रिडली टर्टल्स। जैसा कि मैंने बताया कि आपकी टर्टल्स की ही एक स्पीशीज है ओलिव के नाम से, ओलिव सॉरी ओलिव रिडली टर्टल्स जो है आपकी स्पीशीज है। कहां पर पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, ओडिशा कोस्ट में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो जो आपके फिशरमैन होते हैं, है ना, तो वो इसे स्मगल ना करें, गलत इस्तेमाल ना करें, इनको प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो है आपका ऑपरेशन ओलिवा किसने शुरू किया है? आपका इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है। ठीक है, और हाल ही में जो है 2 शिप्स जो है जो लॉन्च की है, नेस्टिंग साइट्स बेसिकली समझते हैं आप, जो नेस्टिंग साइट जहां पर ये टर्टल्स नेस्ट करेंगे उन साइट्स पे जो है 2 शिप्स लॉन्च करी है, ताकि कोई और वेसल्स जो है एंटर ना करें, गलत जो है इसका इस्तेमाल ना हो, प्रोटेक्ट कर सके इन नेस्टिंग साइट्स को, बचाव कर सके नेस्टिंग साइट्स को। बताएंगे तभी तो पॉपुलेशन ग्रो करेगी, है ना, समझ रहे हो? एंडेंजर्ड स्पीशीज है,
तो नेस्टिंग साइट्स को प्रोटेक्ट करना बनता है, नेस्टिंग साइट्स को प्रोटेक्ट करके रखेंगे तभी जनसंख्या जो है बढ़ेगी, ठीक है। तो ये ऑपरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, न्यूज में था ऑपरेशन ओलिवा, पता होना चाहिए किसने शुरू किया है, क्यों किया है। ऑलिव रिडली टर्टल्स आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से टर्टल्स, नाम बताओ, तो ऑलिव रिडली टर्टल्स कहां पर, कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, ओडिशा, ठीक है। चलें अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पीएम ऑफ आर्मेनिया, आर्मेनिया के जो है पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, निकोल पाशिनयान, आर्मेन सरसयान, इब्राहिम राइजी, या फिर आपके नन ऑफ द अबव, क्या करेक्ट आंसर है। पीडीएफ मिलेगी आपको केडी लाइव ऐप पर, गुड इवनिंग जेडबीसी क्लास, विमल कह रहे हैं ए निकोल पाशिनयान, और आंसर करें निकोल, शशांक कह रहे हैं इब्राहिम, शशांक कह रहे हैं इब्राहिम, शशांक आपने कल की क्लास ली थी, चलिए सुजन कह रहे हैं ऑप्शन ए, देखो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, निकोल पाशिनयान जो है री इलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, दोबारा से जो है निकोल पाशिनयान को पहले 2018 में जो है पीएम के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था, और अब जो है दोबारा आर्मेनिया के जो प्रेसिडेंट हैं आर्मेन सारकिशियान, ठीक है, उन्होंने जो है इन्हें दोबारा से जो है एज ए पीएम इलेक्ट किया है, ठीक है। और कहां गए शशांक, कह रहे थे इब्राहिम राइसी, कल हमने क्या पढ़ा था शशांक, कल की क्लास में आप थे शायद, कल हमने पढ़ा था इब्राहिम राइसी आपके ईरान के प्रेसिडेंट बने हैं, ईरान के बने हैं, कल हमने क्वेश्चन किया है इसके ऊपर, आप कैसे बोल सकते हैं इब्राहिम राइसी। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए निकोल पाशिनयान, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है याद रखना, अब करेक्ट आंसर क्या है, आर्मेनिया के बने हैं पीएम बने हैं निकोल पाशिनयान, और ईरान के प्रेसिडेंट बने हैं इब्राहिम राइसी, ठीक है। कैपिटल है आपकी येरेवान, ठीक है, और आर्मेनियन ड्राम जो है, आर्मेनियन ड्राम जो है इसकी करेंसी है आर्मेनिया की, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका निकोल पाशिनयान, प्रेसिडेंट पूछे अगर आर्मेनिया के तो आपके ये रहे आर्मेन सारकिसयान, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं कई जगह सारकिसयान, ये स्पेलिंग भी होती है सारकिसयान की, ठीक है, करेक्ट है। चले आगे, कोई बात नहीं, रॉन्ग हो गया तो आगे रॉन्ग नहीं करना, देखो क्वेश्चन समझ के किया करो, रटा मत करो, तभी समझ आएगा। अगर सोच लोगे कि इसका ये आंसर था, फिर पढ़ोगे नहीं तो क्वेश्चन आगे गलत हो जाएंगे। अगर आप सेशन में आके अपना टाइम दे रहे हैं, एक घंटा लगा के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसे रिवाइज भी किया करो, तभी कोई फायदा है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो नेलियोड वासुदेवम जो है जिनका भी अभी निधन हुआ है, वो किससे संबंधित थे, कथक, पत्रकारिता, गायन, या फिर आपका गजलों से संबंधित थे, आपको ये बताना है। करेंसी लिखी थी मैंने पीछे, करेंसी, करेंसी थी आर्मेनियन, ठीक है, करेंसी थी आर्मेनियन ड्राम, किसकी थी आपकी, आर्मेनिया की थी, समझे। इस सवाल पे आ जाओ, इस क्वेश्चन में पूछा है आपका नेलियोड वासुदेवम जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किससे रिलेटेड थे। विमल विमल कह रहे हैं सिंगिंग, पवन कह रहे हैं कथक, बहुत अच्छे पवन, और रोहित पांचाल ने भी बिल्कुल ठीक आंसर किया है, अनीश बिल्कुल ठीक, सौरभ बढ़िया। चलिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए कथक, भाई कथक कली डांस से जो है रिलेटेड थे, कथक से जो है आपके एसोसिएटेड थे, जुड़े हुए थे, ठीक है। नेलियोड वासुदेवम नंबूथिरी, ठीक है, एक कथकली आर्टिस्ट थे, ठीक है, कहाँ के थे, केरला के थे, ये थे आपके वासुदेवम, ठीक है, नंबूथिरी, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, कहाँ से थे, केरला से थे, और किस फील्ड से रिलेटेड थे आपके, कथकली जो डांस होता है, जो डांस फॉर्म है आपका, उससे रिलेटेड थे, उससे एसोसिएटेड थे, ठीक है। अगले सवाल पर चलें, बेसिक क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु इज द फर्स्ट इंडियन जैवलिन थ्रोअर टू एंटर फाइनल्स ऑफ द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक खेलों के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय फाला फेंक खिलाड़ी, सॉरी भाला फेंक खिलाड़ी कौन है? नीरज चोपड़ा, अर्शद नदीम, शिवपाल सिंह या फिर नन ऑफ द अबव? चलिए जल्दी, यूपी चलिए। नीरज लिखा है प्रशांत ने, आदिल लिख रहे हैं नीरज, बिल्कुल ठीक। देखो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, पहले ऐसे जो भाला फेंक खिलाड़ी बने हैं, ठीक है, जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में जो है प्रवेश किया है। करेक्ट आंसर क्या है? शिवपाल सिंह आपके बाहर हो गए हैं। करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। ठीक है, पहले इंडियन जैवलिन थ्रोअर बने हैं जिन्होंने ओलंपिक गेम्स के फाइनल्स में जगह बनाई है अपनी। ठीक है, पहले बने हैं विद अ स्टनिंग थ्रो ऑफ 86.65 मीटर इन हिज ओपनिंग अटेम्प्ट। देखो अगर हम मतलब बात करें उनके ओपनिंग अटेम्प्ट में उन्होंने कितनी दूर फेंका है अगर आपसे पूछा जाए तो 86.65 मीटर जो है जो जैवलिन थ्रो रहा है इनका। ठीक है, 86.65 मीटर अपने ओपनिंग अटेम्प्ट में, और उसके बाद जो है इन्होंने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा आपका बिल्कुल ठीक आंसर है, कृष्णा बिल्कुल ठीक। अगले सवाल पर आ जाओ, इन विच स्टेट द फर्स्ट ऑर्किड कंजर्वेशन सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। देखो नॉर्थ इंडिया का जो है पहला ऑर्किड कंजर्वेशन सेंटर जो है वो बनाया गया है। ऑर्किड्स आपके फूल होते हैं, ठीक है, आपने देखे होंगे, आगे तस्वीर भी है, वो डिस्कस करेंगे। पहला ऑर्किड कंजर्वेशन सेंटर जो है नॉर्थ इंडिया का कहाँ एस्टैब्लिश किया जा रहा है, किया गया है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली या फिर आपका उत्तराखंड? ठीक है, चलिए हाँ जी नीरज बिल्कुल ठीक आंसर है, नीरज नीरज आमना कह रही है डी उत्तराखंड, और लकी कह रहे हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड कह रहे हैं बच्चे, यूटी, हिमाचल प्रदेश भी लिखा है किसी ने, कृष्णा ने लिखा है। चलिए आपसे सवाल में पूछा गया है कि नॉर्थ इंडिया का देखो पहला ऑर्किड कंजर्वेशन सेंटर है, ऑर्किड संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? हिमाचल, पंजाब, दिल्ली या फिर आपका उत्तराखंड? चलिए बिल्कुल ठीक आंसर है जो उत्तराखंड कह रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। अब आपको आइडिया लग जाएगा जो भी कह रहे हैं आई हैव नो आइडिया। चलिए करेक्ट आंसर क्या है आपका? उत्तराखंड, उत्तराखंड के देखो चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका, कहाँ? चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका ये सेंटर खोला गया है। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपका उत्तराखंड में ऑर्किड कंजर्वेशन सेंटर जो है नॉर्थ इंडिया का पहला कंजर्वेशन सेंटर खोला गया है। ये आपके ऑर्किड्स होते हैं, आपने देखे होंगे ये फूल बहुत सुंदर होते हैं। कब खोला गया है, इनॉग्रेट कब किया गया है आपका? 30 जुलाई को किया गया था, अभी रिसेंटली किया गया है। उत्तराखंड का पहला ऐसा सेंटर है जो स्पेशली आपका सिर्फ और सिर्फ ऑर्किड्स की स्पीशीज के लिए डेडिकेटेड है, और ऑर्किड्स की प्रजातियों के लिए जो है डेडिकेटेड है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस सेंटर में आपको ऑर्किड्स ही, ये जो फूल है सिर्फ यही दिखाई देंगे। ठीक है, नाम क्या है इस सेंटर का, नेम क्या है आपका? ऑर्किड ट्रेल। अगर आप कहीं जाएं, अगर उत्तराखंड का भी जाएं तो यहाँ घूम सकते हैं, ऑर्किड ट्रेल। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आपका? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक, उत्तराखंड के सीएम और गवर्नर हम ऑलमोस्ट रोज ही डिस्कस कर लेते हैं, पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर कौन है आपकी? बेबी रानी मौर्य। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चमोली उत्तराखंड, बहुत अच्छे, किसने लिखा है? कृष्णा कुमार, बहुत अच्छे, और 30 जुलाई को इनॉग्रेट किया गया है। अगले सवाल पर आ जाओ, देखो जो जिला जो है सुरंग आपकी कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया है, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड या फिर आपका यूपी? जो जिला सुरंग जो है आपकी कहाँ स्थित है, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड या फिर आपका यूपी? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला सुरंग आपकी कहां स्थित है? शुशांक ने, और नहीं आमना ने सबसे पहले आंसर किया है, फिर शुशांक ने किया है, बहुत अच्छे।
करेक्ट आंसर विमल, बिल्कुल ठीक। करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, लद्दाख। ठीक है, आपका ये जो जोरजुला टनल है, ठीक है, कहाँ पर है? देखो, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है आपकी 2018 में शुरू हो चुकी थी, अभी आपका ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और ये पहला आई, अगर जब ये बन के तैयार हो जाएगा तब ये हमारा भारत का पहला आइस टनल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, आइस टनल जो है, अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो आपका कौन सा रहने वाला है? जोरजुला। ठीक है, कहाँ का है ये आपका? लद्दाख में स्थित है। ठीक है, आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करेगा एक दूसरे से, ये जो टनल बनाया जा रहा है हाईवे पे। ठीक है, जोरजुला टनल जो है आपका कितना किलोमीटर का स्ट्रेच है, अगर आपसे पूछा जाता है तो 14.2 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेच है। ठीक है, रोड टनल है अंडर जोरजुला पास। ठीक है, इन द हिमालयस बिटवीन सोनमार्ग एंड द्रास टाउन इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। अगर आपसे पूछा जाता है तो सोनमार्ग और द्रास टाउन के बीच आता है, पड़ेगा आपका ये टनल। ठीक है, और साथ ही में जो है कनेक्ट करेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। ठीक है, श्रीनगर ले हाईवे द आइस टनल विल बी बिल्ड एट जोरजुला पास पे जो है ये बनाया जाएगा। ठीक है, श्रीनगर ले हाईवे के पास, जिससे क्या है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? लद्दाख। आपको पता होना चाहिए कितने लंबा स्ट्रेच है ये, 14.2 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच है। ठीक है, और पूछ रहा है कि कौन से दो जो है यूटीज को जो है ये कनेक्ट करेगा, तो लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच कंपनी डिड ईडी गिव 10,600 करोड़ नोटिस फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ फीमा नॉर्म्स। ठीक है, आपके आपसे पूछा हुआ है कि ईडी ने जो है आपके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे आप बोलते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, देखो अभी हाल ही में किसी एक कंपनी को जो है 10,600 करोड़ की पेनल्टी का नोटिस भेजा है। आपको बताना है बेसिकली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉज होते हैं, जो आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉज होते हैं, ठीक है, उन्हें पूरा नहीं किया है, उन्हें सही तरीके से पूरा नहीं किया है इसमें से एक कंपनी ने, जिसकी वजह से जो है ईडी ने जो है नोटिस भेजा है, पेनल्टी लगाई है 10,600 करोड़ रुपीज की। लद्दाख के हैं आपके गवर्नर, आपके कौन है लद्दाख के? आर के माथुर। और जेएनके के जम्मू कश्मीर के कौन है आपके? मनोज सिन्हा। ठीक, ठाकुर रघुवीर कह रहे हैं फ्लिपकार्ट ईडी पे धीमे। ईडी क्या है आपका? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक है, तो फीमा नॉर्म्स जो है आपके फॉरेन एक्सचेंज नॉर्म्स जो है आपके, आपसे पूछा हुआ है कि कौन सी कंपनी ने पूरे नहीं किए हैं। बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं गुड्डू पवन, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट जो है, फ्लिपकार्ट के हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं आपके? बैंगलोर में है। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट और उनके जो ओनर्स हैं, जो फाउंडर हैं फ्लिपकार्ट के, उन्हें जो है ये नोटिस भेजा गया है। फाउंडर्स कौन है आपके? सचिन बंसल और आपके बिन्नी बंसल। ठीक है, तो फाउंडर्स को जो है 10,600 करोड़ का जो है नोटिस भेजा है। किसने भेजा है? ईडी ने भेजा है। क्यों भेजा है? क्योंकि उन्होंने जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज के जो लॉज है, उन्हें जो है पूरा नहीं किया है, कंप्लाई नहीं किया है, पालन नहीं किया है, इसलिए जो है ये नोटिस भेजा गया है। अमाउंट भी याद रख लेना, 10,600 करोड़। करेक्ट आंसर है मिंत्रा। ठीक है, वॉयलेट किया है लॉज को आपके, फॉरेन एक्सचेंज रूल्स जो है, मैनेजमेंट एक्ट रूल्स जो है। ठीक है, कब, किस, कौन से दो इयर्स के बीच, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2009 से 2015 में जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हुई है, ठीक है, उनमें जो है नियमों का पालन नहीं किया है, इसीलिए ईडी ने फ्लिपकार्ट को नोटिस भेजा है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विच इज द सेकेंड इंडियन जू, चिड़ियाघर, टू हैव अफ्रीकन हंटिंग चीताज, अफ्रीकी शिकार चीतों वाला दूसरा भारतीय चिड़ियाघर कौन सा बना है? साथना जू, मैसूर जू, आपका एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर, या फिर आपका मार्बल पैलेस जू। चलिए इस सवाल का आंसर करेंगे। आपसे पूछा है सेकेंड इंडियन जू जो है कौन सा बना है टू हैव अफ्रीकन हंटिंग चीताज। मनोहर ने लिखा है डी।
दिलीप कुमार ने लिखा है ऑप्शन बी। सी लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे, एलन फॉरेस्ट। दिलीप बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, दिलीप ने अभी तक सबसे करेक्ट आंसर किया है ऑप्शन बी, मैसूर। ठीक है, मैसूरू ऐसे लिखते हैं, पहले इसका नाम मैसूर था। ठीक है, कहां पे है ये आपका? कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है। एलन फॉरेस्ट जू की बात करें तो आपका कहां पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश में है। कहां है आपका? कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सारथना जू की अगर बात करते हैं तो ये है आपका सूरत गुजरात में। कहां है आपका? सूरत गुजरात में है। ठीक है, मैसूरू आपका हो गया कर्नाटक, एलन फॉरेस्ट हो गया कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि जो दूसरा इंडियन जू कौन सा बना है जहां पर जो है अफ्रीकन चीता हंटिंग्स को जो है भेजा गया है, तो आपका आंसर क्या है? मैसूरू जू, मैसूर चिड़ियाघर। ठीक है, चले आगे। मैसूरू जू जो है आपका कर्नाटक में है, सेकेंड इंडियन जू है टू हैव अफ्रीकन हंटिंग चीताज। ठीक है, देखो ये जो चीताज है आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से लाए गए हैं आपके, साउथ अफ्रीका से जो है, साउथ अफ्रीका से जो है इंडिया लाए गए हैं। ठीक है, इंडिया में कहाँ पर? आपके मैसूर जू जो कि आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक मेल और आपके दो फीमेल अफ्रीकन हंटिंग चीताज को जो है बाय एयर रूट, ठीक है, हवाई मार्ग से जो है लाया गया है मैसूरू जू में। चले आगे। जू का नाम आपको पता होना चाहिए और कहां से जो है लाया गया है? जोहानिसबर्ग। जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से इंडिया कर्नाटक। ठीक है, वहां के वैन डाइक चीता सेंटर और यहाँ पे पूछा रहा है तो आपका मैसूरू जू। चले अगले सवाल पर। रिसेंटली विच रशियन रेसलर इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020 हैज डिफीटेड रवि दहिया? रवि दहिया को किस रशियन रेसलर ने जो है हाल ही में हराया है, ये आपसे पूछा गया है। किसने हराया है रशियन, कौन से रशियन रेसलर हैं इनमें से जिन्होंने रवि दहिया को हाल ही में हराया है टोक्यो ओलंपिक 2020? जावूर गुएव, ठीक है, अब्दुल राशिद बुलाचेविच, ठीक है, और आपके मैवलेट बेटिरोव या फिर बख्तियार अखमेदोव। कौन है रशियन रेसलर? सारे आपके रशियन रेसलर्स हैं। आपसे पूछा है कि इसमें से कौन से रशियन रेसलर हैं जिन्होंने रवि दहिया को हराया है। चलिए इस सवाल का आंसर करेंगे। प्रियांशु कह रहे हैं ऑप्शन ए, जाबूर। विकास कह रहे हैं जाबूर, बहुत अच्छे। आयुषी बिल्कुल ठीक। चलिए सबको पता है, सभी टोक्यो ओलंपिक्स के साथ बिल्कुल कैचअप में है ना, टचअप में है सॉरी। चलो करेक्ट आंसर क्या है आपका? जेबूर उगुएव। ठीक है, जेबूर उगुएव जो है वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन जेबूर उगुएव ने हराया है रवि दहिया को, जिसके बाद क्या मिला है? सॉरी, सिल्वर मेडल मिला है आपके रवि दहिया को। सिल्वर मेडल लेकर आए हैं भाई, बहुत बड़ी बात है, सिल्वर मेडल लेकर आए हैं रवि दहिया। ठीक है, लेकिन अगर पूछ रहा है कि कौन से रेसलर के साथ मैच हुआ था जिसमें हारे थे, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? जाबूर उगुएव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी, देख लिया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया गया है, ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। चलिए अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन? देखो इसमें से एक राज्य सरकार ने जो है अपनी खुद की एक अलग तरीके की जो है अर्थक्वेक एप्लीकेशन निकाली है। ठीक है, भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। आपसे पूछा है किस राज्य सरकार ने किया है, ये आपको बताना है। हाँ जी, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर आपका हरियाणा, ये आपसे पूछा है। ऐसी एप्लीकेशन जो है, पहली ऐसी एप्लीकेशन है। हाँ जी, नीलिमा ने, नहीं सॉरी, हाँ नीलिमा ही है, नीलिमा ने लिखा है उत्तराखंड, गौरव शर्मा ने लिखा है उत्तराखंड, मिष्टी ने लिखा है उत्तराखंड, बहुत अच्छे मिष्टी। चलिए करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड ने जो है ऑफकोर्स ये एप्लीकेशन निकाली है ना, बेसिकली अर्थक्वेक से रिलेटेड है ये आपकी एप्लीकेशन। अर्ली वार्निंग आपको पूर्व चेतावनी जो है मिल जाएगी, किस एक्सटेंट से, कितने मैग्नीट्यूड का जो है अर्थक्वेक जो है आने वाला है, क्या
कितनी इंटेंसिटी रहेगी, है ना, कितनी गंभीरता रहेगी, ये सब चीजें जो है आपको जो उत्तराखंड के रेजिडेंट्स हैं उन्हें एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, कहाँ की गई है, बहुत अच्छे स्टूडेंट पवन, कहाँ की गई है आपके, उत्तराखंड में की गई है। ठीक है, नाम क्या है, उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। ठीक है, नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि उत्तराखंड की है ना। तो उत्तराखंड भूकंप अलर्ट जो है नाम है, ठीक है, किसने डेवलप किया है, आईआईटी रुड़की ने, आईआईटी रुड़की ने जो है डेवलप किया है। आईआईटी रुड़की भी आपकी ऑफकोर्स उत्तराखंड में ही है। ठीक है, कब लॉन्च किया गया है आपका, 4 अगस्त को जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, और आईआईटी रुड़की ने जो है, आईआईटी रुड़की ने जो है किसके साथ जो है कोलैबोरेट करके बनाया है आपका, उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ कोलैबोरेट करके जो है ये एप्लीकेशन तैयार की गई है। ठीक है, और आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर कौन है आपके, अजीत कुमार, अजीत कुमार डायरेक्टर, यूजुअली डायरेक्टर्स पता होने चाहिए आपको, डायरेक्टर कौन है आपके आईआईटी रुड़की के, अजीत कुमार। आईआईटी रुड़की ने किसके साथ, यूएसडीएमए के साथ, उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर कौन सी एप्लीकेशन जो है उसे लाया गया है, उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। ठीक है, कब लाया गया है, 4 अगस्त को। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रोफेसर सी आर राव सेनेटरी गोल्ड मेडल अवार्ड। ठीक है, प्रोफेसर सी आर राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, गीता गोपीनाथ, जगदीश भागवती, सी रंगराजन, या फिर आपके बोथ, बी एंड सी। जी बिल्कुल ठीक, आंसर करिए। आपसे पूछा गया है कि यह जो आपका सी आर राव गोल्ड मेडल अवार्ड है ये जो है किसे दिया गया है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें से। जादू, बहुत सारे बच्चे बी कह रहे हैं, राधा है जो डी कह रही हैं। चलिए, करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन, सलोनी भी डी कह रही है, बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी। ठीक है, किसे मिला है आपका, दोनों को मिला है। ठीक है, जगदीश भागवती और सी रंगराजन दोनों को जो है प्रोफेसर सी आर राव सेंटेनरी गोल्ड मेडल अवार्ड जो है दोनों को सिलेक्ट किया गया है, इन दोनों को जो है दिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, बोथ बी एंड सी। ठीक है, जगदीश की अगर हम बात करते हैं, सॉरी डॉक्टर जगदीश भागवती की अगर हम बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स, लॉ और इंटरनेशनल रिलेशंस तीन सब्जेक्ट्स के प्रोफेसर हैं, कहां पर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। और डॉक्टर रंगराजन की अगर हम बात करते हैं तो देखो, आपके आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजरी काउंसिल, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल भी रह चुके हैं, और हमारे फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, डॉक्टर रंगराजन। ठीक है, तो ये जो दोनों आपके इकोनॉमिस्ट्स हैं, दोनों इकोनॉमिस्ट्स को जो है आपका ये जो अवार्ड है दोनों को दिया जाएगा। ठीक है, दोनों, अगर आपसे ऑप्शन पूछा जाता है तो दोनों करेक्ट आंसर है क्योंकि दोनों को सिलेक्ट किया गया है। अगले सवाल पर आ जाओ, विच इंडियन नेवी शिप हैज बिकम द फर्स्ट टू विजिट स्टॉकहोल्म इन नियरली 2 decades। ठीक है, कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज लगभग 2 दशकों में स्टॉकहोम का दौरा करने वाला पहला जहाज बन गया है, आईएनएस तलवार, खंजर, तबर, या फिर आपका खुड़की, यह आपको बताना है। हाँ, ये आपको बताना है। चलिए, करेक्ट आंसर कौन बता रहा है मुझे, प्रशांत कह रहे हैं ऑप्शन डी खुड़की।
खंजर और खंजर बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। गणेश बिल्कुल ठीक लिखा है, बहुत अच्छे गणेश। ऑप्शन ऑप्शन सी जो है आपका आइनेस तबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो ठीक है, आइनेस तबर जो है वो पहला जो है नेवी शिप बना है, इंडियन नेवी शिप बना है जो नियरली 2 दशकों के बाद जो है स्टॉकहोम जो है जिसे स्टॉकहोम पोर्ट जो है भेजा गया है। स्टॉकहोम पोर्ट आपका कहां पर है, देखो स्वीडन में है ठीक है। तो नियरली 2 डिकेड्स के बाद जो है आपका भेजा गया है। कौन सा है आपका ऑप्शन सी, आईएनएस तबर आपका करेक्ट आंसर है। पूछ रहा है किसने रिसीव किया है, ठीक है तो आपका स्वीडिश नेवी की तरफ से किसने किया है, ब्रिगेडियर जनरल पैडर ओल्सन ने, ठीक है आपसे पूछ रहा है स्वीडन की तरफ से किसने रिसीव किया है इसे, ब्रिगेडियर जनरल पैडर ओल्सन ने किया है, ठीक है। और पूछ रहा है इंडियन डिफेंस अटैचे से किसने किया है, आपका ग्रुप कैप्टन पंकज मित्तल ने किया है, ठीक है। ये दो नाम याद रहेंगे, पंकज मित्तल और पैडल ओल्सन, ठीक है पैडल ओल्सन और दूसरा आपका पंकज मित्तल, ब्रिगेडियर जनरल पैडल ओल्सन, ठीक है और आपके ग्रुप कैप्टन पंकज मित्तल ने जो है इसे रिसीव किया है। कहाँ गया है ये आपका, स्टॉकहोम पोर्ट जो है इसे भेजा गया है नियरली आफ्टर 2 दशकों के बाद जो है भेजा गया है। कहाँ है ये स्टॉकहोम पोर्ट आपका, स्वीडन में है। आइनेस तबर की अगर हम बात करें तो देखो इसे कब बनाया गया था, 2000 में बनाया गया था और लॉन्च इसके एक साल बाद ही किया गया था, 2001 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखो, इंडियाज इसरो विल बी लॉन्चिंग अ सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री इन दिसंबर 2021, 2021 दिसंबर में जो है किस कंट्री के सैटेलाइट को लॉन्च करेगा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नहीं क्या नाम है, मैं कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती, मैं करंट अफेयर्स ही पढ़ाती हूँ सिर्फ। इस सवाल से मैं आपसे पूछा गया है कि इसरो जो है कौन सी कंट्री के सैटेलाइट को, कौन से देश का एक उपग्रह है जिसे लॉन्च करेगा, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर आपका नेपाल। भूटान लिखा है विकास ने, क्या नाम है अनुनास, देखो अपने नाम ठीक रखा करो तब मुझे पढ़ने में आसानी रहती है, इससे अजीब अजीब से नाम मत रखा करो। हाँ पूनम ने लिखा है डी नेपाल, राधा ने लिखा है भूटान, बहुत अच्छे राधा बिल्कुल ठीक है। मिष्टी ने भी बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए भूटान, ठीक है भूटान आपका करेक्ट आंसर है। भूटान की जो सैटेलाइट है वो लॉन्च करेगा कौन इसरो, कब करेगा आपका, दिसंबर 2021 में जो है लॉन्च करेगा, ठीक है भूटानी सैटेलाइट है, दिसंबर 2021 में लॉन्च करने वाला है। और जो है 4 भूटानी जो है आपके एस्ट्रोनॉट्स जो है इंजीनियर्स जो है सॉरी वो इसे बना रहे हैं, इसे बिल्ड करें, और उनको ट्रेनिंग जो है कौन प्रोवाइड करवा रहा है आपका इसरो, ठीक है। पहला फेज जो है ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है पहले फेज में जो है भूटानीज इंजीनियर को ट्रेनिंग दी गई है, जो कि सॉरी किसने ट्रेनिंग दी है आपका, इसरो ने दी है। देखो सवाल घुमा के पूछ सकते हैं, ठीक है तो आपको हर तरह से पता होना चाहिए, इसरो इन्वॉल्व है, भूटान की सैटेलाइट है, भूटान के इंजीनियर्स हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, पहला फेज खत्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी। हाँ जी शशांक बताएंगे इब्राहिम राइसी के जो सॉरी इब्राहिम राइसी जो है वो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, शशांक के लिए एक क्वेश्चन है। और साथ में शशांक ये भी बताएंगे कि आर्मेनिया के जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है ये दो सवाल शशांक को आंसर करने हैं। बाकी सवाल का जवाब करें कि इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है इब्राहिम राइसी की स्वेरिंग इन सेरेमनी में, जो शपथ ली है उस सेरेमनी में भारत की तरफ से कौन गया है। हाँ जी अनुनास है, ओके ओके अनुनास बिल्कुल ठीक लिखा है शशांक, ईरान के हैं। और आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, जयशंकर लिखा है, किसने लिखा है,
गणेश कुशवाहा ने लिखा है ए नरेंद्र मोदी। यस इब्राहिम राइसी जो है आपके ईरान के प्रेसिडेंट है, बिल्कुल ठीक। एस जयशंकर बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सभी बच्चे, बहुत अच्छे, ऐसे ही ठीक आंसर करने हैं। देखो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी जयशंकर, आपके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ठीक है, दो दिन के विजिट पर है मिनिस्टर, ठीक है। देखो अभी दो दिन के विजिट पर है, टू डेज विजिट पर है आपके, कहां है, ईरान गए हैं, ठीक है। और ईरान के जो प्रेसिडेंट बने हैं हाल ही में नए, इब्राहिम राइसी, ठीक है, उनकी जो शपथ ग्रहण जो समारोह है, जो जो भी समारोह है, उसमें किसने इंडिया की तरफ से कौन गया है आपका, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे, करेक्ट आंसर है आपका एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ ZSI। ZSI क्या है आपका, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो है पहली वुमेन, सॉरी पहली डायरेक्टर जो है कौन बनी है, सर्वे ऑफ इंडिया कौन बनी है, किन्हें अपॉइंट किया गया है, किन्हें नियुक्त अभी किया नहीं है, होने वाली है, आपसे पूछा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली वुमेन डायरेक्टर कौन बनी है, अनीता चटर्जी, श्वेता बागची, धृति बैनर्जी या फिर आपका रीना अग्रवाल। धृति लिखा है विकास ने और शुभम मेहता ने, आयुषी बिल्कुल ठीक आंसर करती है, बहुत अच्छी आयुषी। चलिए बिल्कुल ठीक आंसर है आपका धृति बैनर्जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI का कब फॉर्म हुआ है, 1916 में फॉर्म हुआ है। हेडक्वार्टर्स कहां पर है आपका, हेडक्वार्टर्स कहां पर है आपके, कोलकाता में है, ठीक है। और अगर बात करें तो अभी आपके डायरेक्टर कौन है ZSI के, अभी करंट आपके डायरेक्टर कौन चल रहे हैं, कैलाश चंद्रा चल रहे हैं, ठीक है। और अब जो बनेगा पहली फीमेल, पहली महिला जो है आपकी निर्देशक, डायरेक्टर जो है निर्देशक है ये, ठीक है, निर्देशक कौन बनी है आपकी, धृति बैनर्जी, ठीक है, कौन बनी है, धृति बैनर्जी बनी है, कोलकाता में ZSI के हेडक्वार्टर्स है, 1916 में फॉर्म हुआ है, अभी डायरेक्टर कौन है, कैलाश चंद्रा, और अब कौन बनने वाली है आपकी, धृति बैनर्जी, ठीक है। चलिए ZSI ने जो है, देखो ये एक पॉइंट है कि फॉर्म होने के बाद जो है, ठीक है, विमेन साइंटिस्ट्स को रिक्रूट करना जो है कब स्टार्ट किया था, 1949 में जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या है जो है वुमेन को भी रिक्रूट करना स्टार्ट किया था। ZSI की 1916 में फॉर्म हुई, ठीक है, और 1916 के बाद 1949 में जो है विमेन साइंटिस्ट को भी क्या है रिक्रूट करना शुरू किया, शामिल करना शुरू किया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, धृति बैनर्जी जी, नहीं शशांक मेरे फैमिली मेंबर नहीं है, शशांक ने आज सवाल का गलत आंसर दिया था, रेगुलरली आते हैं शशांक इसलिए उसका नाम लिया गया है। चलिए करेक्ट आंसर आपका था धृति, कल मिलेंगे हम लोग टुमारो एट 4 PM, ठीक है, कल हम 4 बजे मिलने वाले हैं, रेगुलर हमारा करंट अफेयर्स करने वाले हैं, ठीक है, होपफुली कल भी आप सब लोग आएंगे। देखो अच्छा लगा होगा कंटेंट और वीडियो, तो वीडियो को शेयर करते हुए जाना और लाइक करते हुए जाना। कल ठीक 4 बजे हम लोग यहीं मिलेंगे, इसी जगह पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है केडी लाइफ को, वो सब्सक्राइब कर लें सभी स्टूडेंट्स। चलिए कल मिलेंगे, तब तक अपना सभी ख्याल रखेंगे, बाय।